लड़की कितना टेस्टी है, अभी हम इन्हें खाएंगे। कचर के साथ और इनका टेस्ट और भी दुबला हो जाता है। अभी हम स्टार्ट करेंगे पोटैटो की एक नई रेसिपी। पोटैटो हमने बॉईल कर लिए हैं, बॉईल करके रख लिए हैं। अब हम पोटैटो को चॉप करेंगे, पोटैटो और चिकन मिक्स करेंगे। और ये है कि चिकन को मैंने बॉईल कर लिया है और उसको बिल्कुल उसके बारीक बारीक से रेशे कर लिए हैं। और यहाँ पर जो है पोटैटो को मैं अभी क्रश करूँगी पैट कर। अभी मैं करने लगी हूँ, ये देखिए मैं क्रश कर रही हूँ इसको। इसकी हम रेसिपी शेयर करेंगे, हम बनाएंगे साथ में कबाब भी और साथ में हम बनाएंगे पोटैटो और चिकन रोल्स, शायद मेयोनीज़ भी ऐड करें। एक अच्छी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, जिसे आप भी बनाइएगा और हमें भी बताइएगा कि आप लोगों को बना के कैसी लगी या देखने में कैसी लगी है। हम ये वैसे जो आलू है ना, ये थोड़े से ठंडे हो गए हैं। अगर आप इन्हें गरम गरम उसी टाइम इनका छिलका उतार लें तो ये फौरन से पहले ये क्रश हो जाते हैं। देखें इनको फिर करना बड़ा इजी हो जाता है। जितना भी मुझे इसके साथ मुझे ज़ोर लगाना पड़ रहा है, फिर इतना ज़ोर लगाना नहीं पड़ता। ये देखिए, और ये मैंने कर लिया क्रश। हमारे थोड़े से रह गए हैं क्रश करने वाले। आयशु भी मेरे सर पर खड़ी है, देख रही है कि मम्मा क्या कर रही है। वैसे ये नमकीन चीज़ें कम ही खाती है मेरी जो छोटी बेटी है ना, इसे मिर्चें बहुत लगती हैं, ज़रा सी भी डाल लो ये कम ही खाती है। ये आइसक्रीम्स वगैरह मीठी चीज़ें इस तरह की चीज़ें ज़रा शौक से खाती है। तो ये पकौड़े और इस तरह की स्पाइसी चीज़ें, शायद ये भी छोटी है इसलिए ये चीज़ें ये नहीं खाती। तो मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप बताइएगा हमारी बाकी रेसिपीज, यकीनन आप लोग देखते होंगे। ये देखिए अभी चिकन के हमने रेशे बना लिए छोटे 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 छोटे, वो भी हम ऐड कर लेंगे। और दोस्तों अब मैं ऐड करूँगी इसके अंदर, स्पून रखा है मैंने, देखें नमक मैंने हाफ स्पून जो है ये इसका डाला है, और चिली पाउडर का भी मैंने हाफ स्पून, उसके अंदर सूखा धनिया डालेंगे उसका भी तकरीबन हाफ स्पून डालेंगे ऐड करेंगे इसमें। और अब कान टू और इन सब हम मिक्स कर ले रहा, और फिर हम का मसाला कैसे तैयार। अभी मैंने अब ग्रीन चिली डाल दी इसके अंदर और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स है मैंने पहले भी इसे किया था, अब थोड़ा सा और कर लेते हैं ताकि ग्रीन चिली भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। मसालों में मैंने इसके अंदर डाला है सूखा धनिया डाला है और हरा धनिया, और बाकी मसाला जात मैंने आपको दिखा दिए थे, इसको हम ऐड करेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, ठीक हो गया। ये ले जी हमारा ये हो गया अच्छी तरह मिक्स। अब हम तैयार करते हैं रोल की पट्टियाँ, और रोल की पट्टियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। मैदा डालते होते हैं, मैदा पानी मिक्स करके आप पट्टियों को जोड़ने के लिए, लेकिन मेरे पास इस टाइम मैदा नहीं था इसलिए मैंने थोड़ा सा आटा लिया। आटे के अंदर भी थोड़ा सा मैदा मिक्स होता है, मैंने इसके अंदर पानी डाला और इसे मिक्स कर दिया, और इससे भी पट्टियाँ जोड़ी जाती होती हैं। ठीक है, ये आपको मैं वैसे एक बता रही हूँ कि मैदा अगर ना हो तो आटे के अंदर पानी डाल के भी आप ये काम कर सकते हैं, ठीक हो गया। अभी ये मैंने पट्टियाँ खोल ली हैं समोसों की, और इसके अंदर हम इसको फिलिंग को ऐसे करके रखेंगे। अभी हमने इसको पहले फिलिंग की इसके अंदर, ये देखिए पट्टी के अंदर ये समोसा रोल की छोटी पट्टी है। पिछली दफ़ा मैं लाई थी बड़ी पट्टियाँ लाई थी जब हमारे रमज़ान का महीना स्टार्ट हुआ था, लेकिन इस बार मुझे वो मिली। जब हमने फिलिंग की एक कॉर्नर हमने इस साइड पर रखा, दूसरा कॉर्नर हमने इस साइड पर रखा, अब हम इसको लपेट जैसे ये देख इससे ऐसे 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 रोल की तरह इसे लपेट देंगे। और यहाँ आएंगे हम यहाँ पर जो हमने यहाँ पर रखा हुआ था आटा बना, देखिए हो गया हमारा तैयार। अब नेक्स्ट करेंगे हम, अभी हम फिलिंग उठाएंगे ऐसे फिलिंग रखेंगे बीच में, ये देखिए इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, और ये हमारी हो गई।
ये हमने बना दी पट्टी दूसरी। ये हमारा दूसरा रोल हो गया तैयार, चिकन पोटैटो रोल। अभी हम नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट जो है इसके मेरे ख्याल से जुड़ी हुई है, कभी कभी ऐसी होती है कि ये बहुत होते हैं बारीक से, इनको हमें बड़ा आहिस्ता से अलग-अलग करना पड़ता है। अगर हम थोड़ा तेज़ी से करें तो ये टूटने का भी होता है, कि ये टूट भी सकती हैं। ये देखिए स्लोली स्लोली हमने इसको ऐसे ऐसे करके ये हमने कर लिया इसको अलग। फिर हमने इसको ऐसे अंदर इसके अंदर रखी ऐसे फिलिंग, और ये हो गई हमारी इसके अंदर फिलिंग। मिर्चें मैंने इसमें बहुत लाइट रखी हैं, क्योंकि रमज़ान में मैदा ख़राब हो जाता है, प्रॉब्लम होती है। वैसे भी हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, यानी आयशा है, तो कभी कभी वो भी खा लेती है, वैसे वो मिर्चों वाली चीज़ें कम ही खाती है। ये देखिए, लेकिन चिकन उसे पसंद है तो शायद ये वो खा ले। ये देखिए हमारा हो गया ऐसे, और ऐसे, और ऐसे लपेटा, ऐसे लपेटा, ये बन गया हमारा रोल। और इधर लगाया हमने जोड़ने के लिए मैदा, ये हो गया हमारा तैयार। जी तो दोस्तों हमारे रोल हो चुके हैं, चिकन पोटैटो रोल हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। अभी ये है कि कुछ इतने सारे रोल तो हम लोग एक दिन में नहीं बना सकते, हमारी इतनी बड़ी फैमिली भी नहीं है। अभी मैं चाह रही हूँ कि मैं कुछ रोल प्लास्टिक पेपर में मैं सेव कर लूँ फ्रीज़र के अंदर। ये देखिए मैं इनको फ्रीज़ कर रही हूँ ऐसे करके, फिर इसके अंदर रख लूँगी प्लास्टिक बैग के अंदर। ये देखिए इस तरीके से हम सेव कर लेंगे, जितने हमें बनाने हों हम रोज़ निकाल के इसको फ्राई कर सकते हैं। इससे हमारे टाइम की बचत भी हो जाएगी और रोज़ हमें इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, और इस तरह ये रोल जो हैं ये आपके काफ़ी दिन गुजार जाते हैं। आप तो काफ़ी टाइम तक इनको रख सकते हैं, 15 से 20 दिन तक भी रख सकते हैं फ्रीज़र के अंदर, है ना। जितने आपको चाहिए उतने आप निकालें और इसको फ्राई कर लें। जी तो मैंने अभी जो है रोल बनाए थे, अब मैंने उनको फ्राई करने लगी हूँ। मैंने इनको कढ़ाई में डाल दिया, कढ़ाई का देखिए मेरी का कैसा नशर हो गया है, क्योंकि हर रमज़ान होता है, हर दूसरे दिन कढ़ाई धुलती नहीं है। अभी ये रमज़ान के बाद ही सही इसको मांझा जाएगा। चले खैर जो भी है, क्योंकि रमज़ान में हर चीज़ इस तरह करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अभी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं रोल, अभी इनको फ्राई कर रहे हैं, और फ्राई होंगे तो फिर आपके सामने हम ये अफ्तारी में खाएँगे, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए कितने टेस्टी हैं, अभी हम इन्हें खाएंगे। कचप के साथ और इनका टेस्ट और भी दुबला हो जाता है।